फरिश्तों अर्श से आका तो मिलाने आए, जब खड़े दश्त न थी कोई सनाशा आवाज हमको कुरान सुनाने के लिए आ पाए। हजरत वक्त की किल्लत दामनगीर है, मिंबर शरीफ पर एक अजीम शान खतीब बाबकार खतीब अल्लामा इफ्तिखार जमाली की शक्ल में जलवा अफरोज है। आजान फजर का वक्त करीब से करीब तर होता जा रहा है। एक मेहमान खतीब आपके इस पाकीजा महफिल में जलवा अफरोज है। मैं चाहता हूँ कि मोहब्बतों के साथ थोड़े से जितने लोग हैं करीब चले आए, आधा पौन घंटा और बाकी है 30 से 35 मिनट दूर से सफर करके आए हैं, ताकि इनको भी अच्छा लगे गुफ्तगू करने में, आपको सुनने में भी अच्छा लगे। मोहब्बतों के साथ थोड़ा सा करीब चले आइए, थोड़ा सा आ जाए मोहब्बतों के साथ जो लोग दूर हैं। नबी की नात के दो शेर सुनने के खुल्द में खुद अपना घर तैयार करने दीजिए, मुझको मदहे अहमदे मुख्तार करने दीजिए, कब्र में मैंने फरिश्तों से कहा हट जाइए, पहले आका का मुझे दीदार करने दीजिए। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ खतीब हिंदुस्तान अल्लामा इफ्तिखार आलम जमाली साहब के बिला शहर कलकत्ता से तशरीफ लाएं, इस्तकबाल कर लें नारे तकबीर और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत उर्से हजरत सलीम चिश्ती, नारे तकबीर लौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतलए अनवार बनाए हुए हैं, हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़ शुक्र कर वो तेरे आयबों को छुपाए हुए हैं, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, या रसूल अल्लाह हम तो महशर में तुम्हें देखने आए हुए हैं, नाम आते ही अबू बकर उमर का लपर तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं, और क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर, अब तो मीजान पे सरकार भी आए हुए हैं।